नमस्कार दोस्तों, आज एक बार अपन फिर बायोलॉजी के नए फाइलम के साथ में मैं प्रेजेंट हुआ हूँ आपके सामने। और आज का जो अपना फाइलम्स है वो है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। देखिए दोस्तों, इससे पहले अपने वाले जो पहले वाला जो लेक्चर था उसमें अपने मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा उनके बारे में बात की थी, और आज का जो अपना जो लेक्चर आएगा वो हेमिकॉर्डेटा के रूप में आएगा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा जो है, इस हेमिकॉर्डेटा का शाब्दिक अर्थ होता है अर्धकशेरुकी। हिंदी में कहते हैं इसको अर्धकशेरुकी। हेमिकॉर्डेटा को हिंदी में अर्धकशेरुकी के नाम से जाना जाता है। ये जो हेमिकॉर्डेटा है, इस हेमिकॉर्डेटा को जो पुरातन वर्गीकरण था उस पुरातन वर्गीकरण में जो कॉर्डेट फाइलम है उस कॉर्डेट फाइलम में एक सब क्लास के रूप में डाला गया था। हेमिकॉर्डेटा जो है, इस हेमिकॉर्डेटा को जो पुराना वर्गीकरण था उस पुराने वर्गीकरण में कॉर्डेटा फाइलम की एक सब क्लास बनाई थी। क्या बनाई थी दोस्तों? सब क्लास बनाई थी। यानी जो प्रोटोकॉर्डेटा था, प्रोटोकॉर्डेटा जो प्राणी होते हैं उन प्रोटोकॉर्डेटा में, वर्तमान में प्रोटोकॉर्डेटा में पढ़ते हैं क्या क्या, यूरोकॉर्डेट और सिपेलोकॉर्डेट। और तो उस यूरोकॉर्डेट और सिपेलोकॉर्डेट के साथ में एक सब फाइलम और बनाया गया था, और उस सब फाइलम का नाम क्या था? हेमिकॉर्डेटा। उस सब फाइलम का नाम क्या था? हेमिकॉर्डेटा। अब आज सन 1959 में हाइमन नाम के वैज्ञानिक हुए। उस हाइमन ने क्या किया, 1959 में हाइमन वैज्ञानिक था, उस हाइमन ने इन जो हेमिकॉर्डेट्स है, इन हेमिकॉर्डेट को कॉर्डेट से निकाल करके अपने कहाँ डाल दिया, नॉन कॉर्डेट में डाल दिया। कहाँ डाल दिया दोस्तों? नॉन कॉर्डेटा में, और एक फाइलम के रूप में दर्जा दिया गया। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं, मैं यह बात कर रहा हूँ हेमिकॉर्डेटा की, कि हेमिकॉर्डेटा को जो पुरातन वर्गीकरण था उस पुरातन वर्गीकरण में कॉर्डेटा संघ में एक सब फाइलम के रूप में रखा गया था। लेकिन सब फाइलम के रूप में रखा गया था, लेकिन 1959 में हाइमन जो नाम का वैज्ञानिक है, उस हाइमन ने क्या किया, उस हाइमन ने यहाँ इन कॉर्डेटा प्राणी में से, मतलब कॉर्डेटा फाइलम में से जो सब क्लास थी अपनी, कौन सी, हेमिकॉर्डेटा, उस हेमिकॉर्डेटा क्लास को निकाला और अपने जो नॉन कॉर्डेट है यानी अकशेरुकी जंतु है उन अकशेरुकियों में एक नए स्वतंत्र फाइलम का दर्जा दिया गया। किसको? हेमिकॉर्डेटा को। हेमिकॉर्डेटा को एक स्वतंत्र नॉन कॉर्डेट फाइलम मानते हैं प्रेजेंट में। किसके अनुसार? हाइमन के अनुसार। हाइमन ने उसको कॉर्डेट से निकाला और कहाँ डाल दिया? नॉन कॉर्डेट में डाल दिया, और उसे एक फाइलम दे दिया नाम हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा का मतलब होता है अर्धकशेरुकी। देखिए दोस्तों क्या बातें हैं, अपन यहां देखें, हेमिकॉर्डेटा जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं में जो नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड बोले तो पृष्ठ रज्जु, नोटोकॉर्ड जो है वो पृष्ठ रज्जु पूर्ण विकसित नहीं होती है। पृष्ठ रज्जु क्या नहीं होती है दोस्तों? पूर्ण विकसित नहीं होती है। नोटोकॉर्ड जो है वो पूर्ण डेवलपमेंट नहीं है, कंप्लीट डेवलपमेंट नोटोकॉर्ड नहीं पाई जा रही है। और कंप्लीट नोटोकॉर्ड डेवलपमेंट नहीं होने के कारण इन जंतुओं को अपन क्या मानते हैं? अर्धकशेरुकी, हेमिकॉर्डेटा यानी हाफ कॉर्डेट्स। क्या मानते हैं इनको अपन? हाफ कॉर्डेट्स मानते हैं इनको अपन, हाफ कॉर्डेट मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होती है, वो पूर्ण विकसित नहीं होती है। अच्छा, दूसरी बात है, पूर्ण विकसित नहीं होती है। और बात करूं मैं, नेक्स्ट बात करूं, अच्छा इस नोटोकॉर्ड में और देखूं मैं, तो जो नोटोकॉर्ड होती है, मतलब इनकी नोटोकॉर्ड और जो अपने वास्तविक कॉर्डेट्स है उनकी नोटोकॉर्ड में देखा जाए तो दोनों की नोटोकॉर्ड जो है उसकी उत्पत्ति समान ही होती है। अर्थात इनकी जो नोटोकॉर्ड है, इन जंतुओं की नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड का मतलब होता है पृष्ठ रज्जु, इन जंतुओं की
नोटोकोड और कोर्डेट जंतुओं की कोर्डेटा एनिमल की नोटोकोड कोर्डेटा एनिमल की नोटोकोड समजात नहीं होती है, अर्थात दोनों की जो नोटोकोड होती है वो एक समान नहीं होती है, और एक समान नहीं होने के कारण इनको अपन क्या नहीं मानते, इनको अपन कशेरुकी नहीं मानते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ से क्या बात आ गई, बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है। बात ये निकल के आ रही है कि हाइमेन ने इनको नॉन कोर्डेट क्यों माना, इनको कोर्डेटा से क्यों निकाला। पहले तो इनको कोर्डेटा में एक सब क्लास सब फाइलम का दर्जा दिया था, फिर हाइमन ने ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या भूचाल आ गया, ऐसा कौन सा चक्रवात आ गया कि इनको है वो कोर्डेट से निकाल करके कहाँ डालना पड़ा, अपने को नॉन कोर्डेट में डालना पड़ा। देखिए दोस्तों, तो इन्होंने कहा क्या कहा कि इनकी पहली बात तो यह है कि इनकी जो पृष्ठरज्जु होती है वो पूर्ण विकसित नहीं होती, कंप्लीट नोटोकोड नहीं पाई जा रही है डेवलपमेंट के आधार पर। दूसरी बात ये देखे कि इनकी जो नोटोकोड होती है और जो कोर्डेट्स की एनिमल्स की जो नोटोकोड होती है वो क्या नहीं होती है, समजात नहीं होती है, एक समान नहीं होती है, और समजात नहीं है इसका मतलब डिफरेंट सही है दोनों से। तो इसको हाइमन ने निकाला और कहाँ का रास्ता दे दिया इसको, इसको दे दिया अपने नोटो है जो नॉन कोर्डेट्स है उसमें दे दिया। चलिए नेक्स्ट बात करें अपन, आगे बात करूँ मैं इसकी। ये जो प्राणी होते हैं इनमें नोटोकोड यानी जो पृष्ठरज्जु होती है वह अग्र सिरे पर ही पाई जाती है, अग्र सिरे पर ही पाई जाती है। नोटोकोड जो होती है वो केवल कौन सी सिरे पर पाई जाती है, अग्र सिरे पर ही पाई जाती है। मतलब मैं बात करूंगा अभी बताऊंगा आपको कि इन जंतुओं की जो बॉडी होती है उन बॉडी के तीन पार्ट होते हैं, सूंड कॉलर और धड़, अर्थात प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक। इन लिख दूं यहां पर इन जंतुओं का शरीर तीन भागों में बटा होता है। उनके नाम है, देखिए फर्स्ट है मेरे पास प्रोबोसिस यानी सूंड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबोसिस। सेकंड है कॉलर, सेकंड क्या है मेरे पास में कॉलर, और थर्ड है मेरे पास में धड़ ट्रंक। ये देखो मतलब हेमिकोडेट प्राणियों का जो शरीर है वो तीन भागों में बटा हुआ है। पहला जो पार्ट है वो देखिए, इसका जो प्रथम भाग है वो है सूंड जिसको प्रोबोसिस कहते हैं, सेकंड पार्ट है वो इसका कॉलर है, और थर्ड पार्ट जो होता है इसका कौन होता है, धड़ यानी ट्रंक होती है। तो मैंने यहाँ लिखा कि इन जंतुओं में जो शरीर है, शरीर में के तीन भाग बता दिए, सूंड कॉलर और धड़, अर्थात प्रोबोसिस कॉलर और कौन अपनी ट्रंक। तो यहाँ पर देखिए इनमें जो नोटोकोड होती है वो कौन सिरे पर बजती है, अग्र सिरे पर। अग्र सिरा कौन है इनका, सूंड है। तो जो नोटोकोड है जो पाई जा रही है यहाँ पर, अल्प विकसित नोटोकोड पाई जा रही है वो केवल सूंड भाग में पाई जा रही है, अन्य जो पार्ट है उनमें कॉलर में धड़ भाग में इनमें नोटोकोड नहीं पाई जा रही है। तो केवल नोटोकोड जो प्रेजेंट्स है वो कहाँ प्रेजेंट्स है दोस्तों, वो केवल सूंड भाग में प्रेजेंट्स है, प्रोबोसिस भाग में केवल नोटोकोड पाई जा रही है, बाकी अन्य जो भाग हैं उसमें नोटोकोड नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्लियर, आगे चले अपन। चलिए नेक्स्ट, इनको मैं रब कर रहा हूँ एक बार। नेक्स्ट अगर इनका मैं हैबिटेट देखूं, आवास देखें,
तो आवास के आधार पर ये जो सारे जंतु होते हैं वो मेराइन होते हैं, अर्थात समुद्री प्राणी होते हैं। ये जो जंतु है ये कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। देखिए कहाँ रहते हैं, इस संघ के जितने भी प्राणी हैं वो कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। शरीर बेलनाकार, शरीर कैसा होता है? बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है। यह कर्मी रूपी वर्मी फॉर्म है। कर्मी रूपी का मतलब होता है वर्मी फॉर्म है, वर्मी फॉर्म है। कर्मी रूपी वह बिलकारी जंतु होते हैं, बिलकारी। शरीर बेलनाकार होता है और ये कर्मी रूपी जंतु होते हैं। देखिए दोस्तों, देखो मैंने बता दिया आपको, मैंने ये कह दिया कि जो इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है दोस्तों? वो बेलनाकार होता है। शरीर है बिल्कुल बेलन के समान आकार का होता है। फिर दूसरी बात मैंने इंडिकेट किया यहाँ पर आपको कि इनका ये कर्मी रूपी वर्मी फॉर्म स्ट्रक्चर होते हैं, कीड़े के समान होते हैं, कीड़ों के समान होते हैं, वर्मी फॉर्म स्ट्रक्चर दिखाते हैं। और वर्मी फॉर्म के साथ दूसरी बात बताई मैंने, कैसे होते हैं? बिलकारी जंतु होते हैं, आवास के आधार पर ये बिलकारी होते हैं। अब कैसे? मैंने तो ऊपर तो आपको ये कह दिया कि ये जो प्राणी होते हैं वो मेराइन होते हैं, मतलब लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। और फिर दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, बिलकारी होते हैं। तो वो कैसे दोस्तों? वो देखिए कैसे, ये जो जंतु होते हैं बेटा, ये जो जंतु होते हैं ये समुद्र की जो पेंदा होता है, नीचे जो मिट्टी होती है, समुद्र की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के नीचे बिल बनाकर रहते हैं, उसके अंदर कुछ गड्ढे बना देते हैं और उन गड्ढों में पाए जाते हैं। कौन? अपने हेमिकोडेटा संघ के प्राणी। मैं एक डायग्राम ले रहा हूँ, आउटलाइन ले लूँ एक बार थोड़ी सी, है ना। ये अपना समुद्र है, उसका तल, उसका छोर है, ठीक है ना। और ये उसका पेंदा है, ये उसका पेंदा है। और ये समुद्र में लहरें जा रही हैं, लहरें उठ रही हैं, ये समुद्र की लहरें हैं देखिए। और ये पानी भरा हुआ है, समुद्र में पानी भरा हुआ है। और ये समुद्र का तल है, ये पेंदा है उसका, है ना। अब क्या करते हैं, मैंने कहा कि ये समुद्री प्राणी है और कैसे होते हैं? बिलकारी। तो समुद्र की जो मिट्टी होती है, पेंदे का जो तल होता है, तल, उस तल का जो नीचे वाला भाग होता है मिट्टी, उस मिट्टी में यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये ऐसे बिल बना लेते हैं। ये ऐसे बिल बना लिए इन्होंने, मतलब ये जो प्राणी है ये समुद्री का जो होता है, समुद्र है, उस समुद्र के नीचे वाला जो पेंदा होता है उस पेंदे में तल में बिल बनाकर रहते हैं, यहाँ बिलों के रूप में रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये कैसे प्राणी हो गए? आवास के आधार पर, आवास के आधार पर ही हो गए, ये बिलकारी प्राणी होते हैं। समुद्री तो है, मेराइन तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ में कैसे होते हैं? ये समुद्री प्राणी होते हैं और बिलकारी प्राणी होते हैं, समुद्र के तल के अंदर, पेंदे के अंदर बिल बनाकर रह रहे हैं। इसलिए ये जो प्राणी है, ये जो एनिमल्स है, वो किस प्रकार के हो गए? अपने बिलकारी होते हैं और वर्मी फॉर्म स्ट्रक्चर दर्शाते हैं, कर्मी रूपी आकार के होते हैं। तो नेक्स्ट आगे बात करें अपन दोस्तों। अच्छा भैया, नेक्स्ट बात करूं मैं इनकी, ये प्राणी यहाँ बिलों के अंदर आकर बैठ गया, जैसे अपना बैठ गया बेलेनोग्लोसस हो गया, सेकोग्लोसस है, प्रोटोग्लोसस है, ये प्राणी यहाँ बैठ गए। थोड़ा सा अपने यहाँ बात करूं मैं, अगर इनकी मैं सिमेट्री देखूं, सिमेट्री देखूं, सममिति देखूं, नेक्स्ट इनकी सिलोम देखूं, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखूं, देखिए सिमेट्री है। हेमिकोडेट जो प्राणी होते हैं वो सिमेट्री के आधार पर बाइलेट्रल सिमेट्री दर्शाते हैं। कौन सी सिमेट्री दर्शाएंगे? द्विपार्श्व, जिसको हिंदी में कहते हैं बाइलेट्रल, को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? द्विपार्श्व सममिति। तो सममिति के आधार पर ये जंतु कैसे होते हैं? ये द्विपार्श्व सममित जंतु होते हैं, बाइलेट्रल्स होते हैं। सिलोम, सिलोम के आधार पर देखिए, तो सिलोम के आधार पर ये यू सिलोमेट, वास्तविक गुहे ट्रू सिलोमेट होते हैं, वास्तविक गुहे, अर्थात इनमें ट्रू सिलोम पाई जाती है। कौन सी सिलोम होती है दोस्तों? ट्रू सिलोम, वास्तविक गुहे होते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं ये वास्तविक गुहे होते हैं, ट्रू सिलोम दर्शाते हैं। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, तो इन जंतुओं का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखूँ, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन प्राणियों का होता है वो होता है ऑर्गन
सिस्टम लेवल का होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का क्या पाया जा रहा है इनमें? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे थोड़ा चले, अगर आगे एक बार थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान दें। मैं हमने ये कह दिया कि हेमिकोर्डेट्स प्राणी होते हैं, उनकी जो सिमेट्री होती है, हेमिकोर्डेट की सिमेट्री कैसे बताई मैंने? द्विपार से बता दिया आपको। फिर हमने बात की सिलोम, सिलोम के आधार पर जो हेमिकोर्डेट्स प्राणी होते हैं वो होते हैं आपके यू सिलोमेट या ट्रू सिलोम्स पाई जाती है, वास्तविक गुहा पाई जा रही है। अब ये वास्तविक गुहा जो होती है दोस्तों वो दो प्रकार की होती है मेनली, एक साइजो सिलोम होती है और एक कौन सी होती है? एंटेरो सिलोम होती है। यानी जो ट्रू सिलोम वाले जंतु है ये भी दो, आगे नेक्स्ट अपन टू भागों में बांटते हैं ना कौन, कि दो प्रकार की, एक होती है यहाँ पर साइजो सिलोम, कौन सी होती है दोस्तों? साइजो सिलोम। और जो दूसरी होती है अपनी वो होती है कौन सी? एंटीरो सिलोम, एंटेरो सिलोम। तो अपने जो बात करें एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन जंतुओं में जो साइजो सिलोम पाई जा रही है, कौन सिलोम है इनमें? साइजो सिलोम। अच्छा उसके बाद में हमने पढ़ा इकाइनोडर्मेट्स है, हेमिकोर्डेट्स है और आपके जो कोर्डेट्स प्राणी होते हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेट्स और कोर्डेट्स प्राणी हैं, उनका जो सिलोम्स होती है, जो ट्रू सिलोम होती है वो कौन से टाइप्स की होती है? वो एंटेरो सिलोम टाइप्स की होती है। तो हेमिकोर्डेट्स में सिलोम ट्रू सिलोम है, लेकिन वो ट्रू सिलोम में कौन सी है? वो एंटेरो सिलोम है, नॉट साइजो सिलोम, अर्थात इनमें एंटेरो सिलोम्स पाई जा रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मैंने बात की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो शारीरिक संगठन है उस शारीरिक संगठन अंग तंत्र इस तरह का होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें अपन, इनमें इन जंतुओं में कंकाल, इन जंतुओं में कंकाल अनुपस्थित होता है। इन जंतुओं में कंकाल क्या होता है दोस्तों? वो अनुपस्थित होता है, मतलब स्केलेटन नहीं पाया जा रहा है। इन जंतुओं का जो कंकाल होता है वो कैसा होता है? वो एब्सेंट होता है, इनमें कंकाल नहीं पाया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बात करें, अच्छा जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र होता है वो नर्व सिस्टम जो है, नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र है वो एपिडर्मिस के अंदर है, एपिडर्मिस के अंदर रहता है, मतलब कवर्ड रहता है, किसके कवर्ड? एपिडर्मिस के अंदर कवर्ड रहता है, क्या? नर्व सिस्टम। इन जंतुओं का जो तंत्रिका तंत्र होता है, ये तंत्रिका तंत्र है, ये एपिडर्मिस जो होती है उस एपिडर्मिस में कवर्ड रहता है, एपिडर्मिस के अंदर पाया जा रहा है। चलिए ठीक है ना, इतनी बात कर ली, चलो नेक्स्ट आगे बात करें अपन। अच्छा हमने बात की कि इन ये जो जंतु होते हैं, ये जंतु कहाँ रहते हैं? समुद्री आवास में रहते हैं और बिलकारी है। तो हमने बात कर ली कि समुद्र के पेंदे में रह रहे हैं, बिल बनाकर रह रहे हैं। अब बिल बनाकर रह रहे हैं तो ये बिलों में चले गए एक बार, तो बिलों से वापस बाहर नहीं आते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं एक प्रकार से। ये एक प्रकार से मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे लेजी एनिमल्स होते हैं, ये बहुत ही आलसी जंतु होते हैं, बाहर निकलना चाहते नहीं है। तो मैंने कहा भैया खाना खा लो, आप बाहर निकलो थोड़ा सा है, तो खाना खाने के लिए कह रहे कि हाँ नहीं, अपन तो बाहर नहीं निकलेंगे, बिल के अंदर रहेंगे, अपने को तो बाहर चूहे खा जाए। तो अपने क्या करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन के लिए बिलों से बाहर नहीं निकलते हैं, ये न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं कि जो समुद्र का जो वाटर्स होता है, पानी जो है, या जो समुद्र के पेंदे में कुछ प्रोटोजोअन्स है या कुछ सील अपने कहते हैं एल्गी वगैरह होते हैं, सेवाल होते हैं, मतलब ये जो जंतु है ये बिल बनाकर रह रहे हैं, और बिल बनाकर रह रहे हैं तो भोजन के लिए बिल से बाहर नहीं आ रहे। तो न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए देखें तो ये पोषण के लिए जो जल है उस जल में उपस्थित कोई भी कार्बनिक पदार्थ वगैरह है उनको ग्रहण करते हैं, या समुद्र के पेंदे में बैठे हुए कुछ प्रोटोजोआ है या कुछ शैवाल वगैरह होते हैं
उन प्रोटोजोआ या शैवालों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो मैं कह दूं कि जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, पोषण फिल्टर फाइडर अर्थात कि जो जल होता है उस जल में से उबले हुए जो कार्बनिक पदार्थ है उनको भोजन के रूप में ले लेते हैं। अच्छा, समुद्र में प्रोटोजोआ है उनको भोजन के रूप में छान कर ले लेते हैं। तो इनका जो पोषण होता है वो फिल्टर फाइडर होता है। फाइडर में ये जल में जो घुले हुए पोजे पदार्थ है उनको भोजन के रूप में ले लेते हैं, मतलब भोजन को खा जाएंगे और बाकी जो जल वगैरह है उसको वापस क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। मिट्टी वगैरह समुद्र के पेंदे में रह रहे हैं तो मिट्टी वगैरह है सबको खा रहे हैं, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स है उन्हीं को ले लेते हैं, बाकी सबको अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने न्यूट्रिशन कर लिया कौन से प्रकार का, फिल्टर फाइडर प्रकार का, अर्थात ये जल में घुले हुए पदार्थों को भोजन के रूप में ले रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, अच्छा चलो भाई पोषण के लिए मत निकलो, अब बिल में रह रहे हो तो कोई शोषण के लिए तो बाहर निकलो है, अरे आपको शोषण नहीं करना है क्या? तो ये कहते हैं कि हम तो शोषण के लिए बाहर नहीं निकलेंगे है, बहुत लेजी बन कहा, ये मेरे मतलब सबसे लेजी एनिमल्स हैं, आलसी जंतु हैं, तो ये शोषण के लिए भी बाहर निकले भाई, बाहर निकल जाओ, न्यूट्रिशन के लिए नहीं निकल रहे तो शोषण के लिए बाहर निकल जाओ। तो कह रहे कि नहीं भाई हमारे को तो बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि हमारे में तो क्या पाए जा रहे हैं, गिल्स पाए जा रहे हैं, तो इनमें रेस्पायरेशन क्रिया के लिए गैसों का आदान प्रदान करने के लिए कौन पाए जा रहे हैं, गिल्स पाए जाते हैं। तो श्वसन क्रिया के लिए, श्वसन के लिए क्या प्रेजेंट्स होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। श्वसन क्रिया क्लॉम्स के द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट, चलिए भाई श्वसन भी मत करो है, पोषण तो आपने कर लिया, श्वसन भी कर लिया, अब तो बाहर निकलो फर्टिलाइजेशन करने के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए तो बाहर निकलो, निषेचन करना है उस निषेचन के लिए तो बाहर निकले, तो अब भी बाहर नहीं निकल रहे, मतलब बिल के अंदर रह रहे बिल्कुल। फर्टिलाइजेशन करना है अब तो भाई न्यूट्रिशन के लिए नहीं है, रेस्पायरेशन के लिए नहीं है, अब किसके लिए आएंगे, वो फर्टिलाइजेशन की बात करें, मैं निषेचन की बात करूं तो हाँ भाई बाहर निकलिए, पहले नो ग्लासेस को कह रहा हूँ कि वो बाहर निकलो ताकि फर्टिलाइजेशन क्रिया हो। अरे आपको अपना वंश नहीं बढ़ाना क्या है? अपना ग्रोथ करनी है आगे, तो फर्टिलाइजेशन तो करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा ना। तो क्या कहता है कि नहीं अपन यहाँ से क्या करता है, देखो ये जो जैसे मान लीजिए मैंने ये मेल है और इसके पास वाले में कौन है, फीमेल। तो जो मेल क्या करता है, मेल बिल के अंदर से ही पानी के अंदर अपने क्या छोड़ देता है, पानी के अंदर अपने स्पर्म छोड़ दिया, मतलब बिल के अंदर रहते हुए वहां से अपने स्पर्म यानी शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणुओं को कहां छोड़ रहा है, वो वाटर में छोड़ रहा है, वाटर में छोड़ दिया। अब इसके पास में ही कोई दूसरा है, कोई बिल होगा, उसमें हो सकता है मादा होगी, और वो मादा है वो क्या छोड़ेगी, यहां पर ओवम छोड़ेगी, अंडाणु छोड़ेगी, और स्पर्म और ओवम का जो कॉम्बिनेशन है वो संयुग्मवंश हो ही जाता है, मतलब अपन पूरा 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन संयुग्मवंश इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इनमें जो निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, वो कौन से प्रकार का हुआ, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। निषेचन जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है दोस्तों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, बाह्य निषेचन होता है, क्योंकि निषेचन क्रिया कहाँ पर हो रही है, निषेचन क्रिया वाटर में हो रही है, और वाटर में निषेचन क्रिया होने के कारण इसको अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो देखो सारे काम बिल के अंदर रहकर कर रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर लिया बिल के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करें, फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर डेवलपमेंट भी करना है इनको है, विकास तो करना है ना भाई, फर्टिलाइजेशन क्रिया हो गई, स्पर्म ओवम का कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ पर क्या बना, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो बना, अब जाइगोट से क्या करना है, अपने को डेवलपमेंट करना है, भ्रूणीय विकास करना है। तो डेवलपमेंट टू टाइप्स से होता है दोस्तों, डेवलपमेंट दो प्रकार से होता है, एक इनडायरेक्टली और दूसरा कैसा, डायरेक्टली डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट टू टाइप्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फॉर्म में जो है उसमें कोई लार्वा नहीं होता है, मतलब लार्वा क्या चीज़ है, एक प्रकार से सर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं कि बार बार बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है,
देखिए दोस्तों, मैं बताऊं आपको, ये जो डायरेक्ट होता है उस डायरेक्ट में लार्वा अवस्था नहीं होती है। जैसे बात करूं मैं कि मानव में जब निषेचन क्रिया हो गई, निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा और जब बच्चा जन्म लेता है तो जो बच्चा जन्म ले रहा है वो एजिटेड अपने एडल्ट के समान है। मतलब उसके वही दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो हाथ है, दो पैर हैं। एजिटेड वो अपने एक वयस्क मानव के समान है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इसमें कोई लार्वा नहीं है। और अगर जीव अपने एडल्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है, विपरीत होता है, थोड़ा अलग होता है, तो उसको अपन कहते हैं लार्वा बोलते हैं उस चीज को, उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे, लार्वा। और वो लार्वा जैसे जैसे वो लार्वा विकसित होगा तो पूर्ण रूप से एक एडल्ट में विकसित हो जाएगा, वयस्क में चेंज हो जाएगा। उस क्रिया को अपन कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी कायांतरण के नाम से जानते हैं। मेटामॉर्फोसिस कहते हैं उसको, कायांतरण कहते हैं। लार्वा का वयस्क में जो रूपांतरण हो रहा है उस क्रिया को अपन क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बात करूं मैं आगे। तो इनमें डेवलपमेंट जो हो गया, परिवर्धन जो होता है, वो परिवर्धन कौन से प्रकार का होता है, वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और क्या हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष परिवर्धन हो रहा है, इसका मतलब लार्वा पाए जा रहा है। और हेमिकोर्डेटा के बहुत सारे लार्वा हैं, उनमें से अगर मैं एक कॉमनली मुख्य लार्वा देखूं तो उस लार्वा का नाम होता है टोरनेरिया। इंपॉर्टेंट कर लेना इस चीज को, जो टोरनेरिया लार्वा होता है, हेमिकोर्डेटा का लार्वा होता है टोरनेरिया। याद रखना दोस्तों इसको, टोरनेरिया लार्वा किसका लार्वा है, हेमिकोर्डेटा का। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लार्वा है। जैसे मैंने बात किया था कि टिनोपोरा में कौन सा लार्वा, सिडिपिड लार्वा था। टिनोपोरा का ये लार्वा बताया था कौन सा, सिडिपिड। ऐसे ही हेमिकोर्डेट जो प्राणी है उनमें कौन सा लार्वा पाया जा रहा है, इनमें टोरनेरिया लार्वा पाया जा रहा है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आगे अपन देखें। तो हमने बात कर ली कि इसमें पोषण ऐसे हो गया, स्वसन ऐसे हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। एक बात अपनी यहाँ छूट रही है, उसको मैं कवर कर लूँ यहाँ पर। हाँ भैया, इनमें एक्सक्रिएशन क्रिया के लिए, उत्सर्जन क्रिया के लिए क्या पाए जाते हैं, इन जंतुओं में उत्सर्जन क्रिया के लिए क्या पाए जा रहे हैं? उत्सर्जन क्रिया के लिए तो देखो, बॉडी के मैंने तीन पार्ट बताए थे। फर्स्ट बताया था सूंड, सेकंड बताया था कोलर, और थर्ड बताया था कौन, धड़। सूंड, कोलर और धड़। तो ये सूंड, इसको अपन बोलते हैं प्रोबोसिस। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, प्रोबोसिस कहते हैं। और प्रोबोसिस जो होती है उसमें पाया जाता है ग्लोमेरुलस। प्रोबोसिस जो होता है उसमें क्या मिलेगा अपने को, ग्लोमेरुलस मिलेगा। और यही ग्लोमेरुलस क्या काम करता है, उत्सर्जी अंग का काम करता है। इनकी प्रोबोसिस में क्या मिलेगा अपने को, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस किसका काम करेगा, उत्सर्जी अंग का काम करता है। अर्थात उत्सर्जन क्रिया के लिए क्या पाए जा रहे हैं, ग्लोमेरुलस पाए जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दो बार नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो आपके हेमिकोर्डेट्स प्राणी होते हैं उन हेमिकोर्डेट प्राणियों में उत्सर्जन क्रिया के लिए क्या पाया जा रहा है। तो हेमिकोर्डेट्स में उत्सर्जन क्रिया के लिए क्या प्रेजेंट है फ्रेंड्स, इनमें ग्लोमेरुलस पाया जा रहा है। और ग्लोमेरुलस कौन से पार्ट में है, वो सूंड पार्ट में है। तो सूंड भाग में क्या मिलेगा इनमें, ग्लोमेरुलस। ठीक है दोस्तों? अच्छा नेक्स्ट आगे बात करें इनकी, इनके मैं एग्जांपल दे दूं। अच्छा, इनकी जो आहरणाल होती है, नेक्स्ट बात करूं मैं इनकी आहरणाल, आहरणाल यू आकार की होती है। कौन से आकार की होती है, यू आकार की होती है। आहरणाल यू आकार की होती है। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल दूं मैं आपको, बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस
नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस और नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रोटोग्लोसस। ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस और प्रोटोग्लोसस। ठीक है दोस्तों, क्लियर? नेक्स्ट।